हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना है क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका यह 9वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हमें पढ़ना है भैया कि अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका चित्र क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, किससे ये उत्पन्न होता है, मतलब इसका डेरिवेशन क्या होता है। इस वीडियो में हमें समझना है और बहुत ही आसानी तरीके से आपको अच्छे तरीके से में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया अन्योन प्रेरण, कि भैया अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं। प्रेरण, तो भैया सबसे पहले यदि बात करें अन्योन प्रेरण के परिभाषा के, तो भैया इसका परिभाषा हम इसके चित्र से ही करेंगे। इसका एक फिगर बनाया जा रहा है, उसको आप ध्यान से समझेंगे। अगर वो समझ गए तो भैया परिभाषा तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। अब बहुत ही डेप्थ में आपको समझना है, क्योंकि याद बहुत कम ही आदमी को हो पाता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि यहाँ पर हम बह रहे हैं, दो परिपथ ले रहे हैं। ठीक है, एक परिपथ में हमने एक कुंडी, इसको थोड़ा सा मैं मिटका दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप समझना है अच्छे से, मैं फिगर चाहता हूँ कि बनाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमने क्या ले लिया, इसमें हमने एक कुंडली लगा दिया है। ये क्या है, कुंडली है। अब यह कुंडली में हमने एक लगा दिया धारा नियंत्रक, ये समझिएगा ये धारा नियंत्रक है। ये क्या है भैया, धारा नियंत्रक। ठीक है, ये भैया कुंडली है। ठीक है, अब धारा नियंत्रक किसका उपयोग करता है भैया, धारा को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब भैया इसमें हमने एक लगा दिया कुंजी, समझिएगा एक हमने लगा दिया कुंजी और इसमें हमने एक लगा दिया बैटरी। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमने एक परिपथ बनाया है। ये क्या है भैया, परिपथ है। ठीक है, जिसमें इतना कुछ लगा हुआ है, कुंडली लगा हुआ है, धारा नियंत्रक लगा हुआ है, कुंजी और बैटरी लगा हुआ है। अब इस परिपथ के पास, मतलब इस कुंडली के पास एक और हम कुंडली को ले आते हैं। ठीक है, एक और हम परिपथ बनाते हैं जिसमें हमने क्या रखा भैया, एक कुंडली रखा और एक हमने गैल्वेनोमीटर रखा, मतलब धारा मापी रखा। ठीक है, जिसे हम धारा को मापते हैं, ठीक है, उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो ये है दूसरा, क्या है, दूसरा कुंडली। तो ये है दूसरा कुंडली और ये है प्रथम कुंडली। अब आपको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि भैया इसमें हमने बैटरी लगाया है, तो जब इस बैटरी के सहायता से इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो ये जाएगा धारा, और धारा जब इसमें जाएगा तो कुंडली में क्या हो जाएगा भैया, हम जानते हैं जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा। परंतु जब धारा नियंत्रक की सहायता से, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया है, अब प्रवाहित करने के बाद ये धारा नियंत्रक है, इस धारा नियंत्रक की सहायता से हम जो विद्युत धारा है ना, जो इसमें विद्युत धारा है, उसके मान में परिवर्तन करेंगे, मतलब अप डाउन करेंगे, कभी कम करेंगे धारा को और कभी ऊपर करेंगे, हाई करेंगे। तो जब हम धारा नियंत्रक की सहायता से विद्युत धारा के मान को परिवर्तन करते हैं, तो इस कुंडली में क्या होता है भैया, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। क्या उत्पन्न भैया, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। और हम जानते हैं कि जब भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन इन दोनों के बीच होने लगता है, क्योंकि ये बहुत ही पास होते हैं, बहुत ही समीप होते हैं, तो ठीक है, तो इसके कारण इसमें जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इसमें भी जो सेकेंड वाला है, द्वितीय कुंडली है, इसमें भी क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो आशा करते हैं भैया इस फिगर को आप समझना है ये, ठीक है, मैं एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमने ये कहा कि ये क्या है, दो हमने यहाँ पे कुंडली लिया है, एक है एक ये कुंडली है, एक ये, ठीक है। हमने कहा कि एक परिपथ में हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चारों ओर क्या होता है, कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि धारा नियंत्रक की सहायता से जो विद्युत धारा प्रवाहित किए हैं उसको हम परिवर्तन करेंगे,
मतलब धारा नियंत्रक की सहायता से विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो क्या होता है, कुंडली में प्रेरित क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। अब ये जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो जो क्या है, दूसरा जो कुंडली है इसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण को अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार और डेफिनेशन इसी से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और इसे अपने नोट्स में लिखिएगा। आप क्या कहेंगे, जब किसी दो कुंडली को अति समीप रखा जाता है या बहुत पास रखा जाता है और धारा नियंत्रक की सहायता से विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को क्या कहते हैं भैया, अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और लिखिए, क्योंकि भैया इसको डेफिनेशन को आप रटना नहीं चाहते हैं। ठीक है, रटिए नहीं, आपको समझना है, ऐसी फिगर से समझना है। हम क्या कहेंगे, जब किसी दो कुंडली को अति समीप या बहुत पास रखते हैं तब धारा नियंत्रक की सहायता से विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं डेफिनेशन को लिख दे रहा हूं, तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, जब किसी दो कुंडली को अति समीप रखा जाता है तथा धारा नियंत्रक की सहायता से धारा नियंत्रक की सहायता से विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होता है या परिवर्तन विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है जिसके कारण द्वितीय कुंडली में या पास रखे कुंडली में, आप ये भी लिख सकते हैं, द्वितीय कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इसी फिगर से आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, इसका डिफिनेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं भैया कि इसका जो क्या होता है, उत्पत्ति कैसे हुआ और इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो भैया यहाँ पे मैं बता रहा हूँ डेरिवेशन, ठीक है, तो डेरिवेशन यही है भैया कि इसमें ये बताया जाता है कि जो धारा प्रवाहित करते हैं परिपथ में वो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या जो होता है उसमें परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। मतलब चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई इसके समानुपाती होता है जो धारा होता है वो। ठीक है, तो हमने इतना लिख दिया। अब भैया आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फाई है यहाँ पे समानुपाती है, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है भैया, एक नियतांक आएगा, तो हम फाई इसकल टू यहाँ पे माइनस एम आता है इन टू आई, ये माइनस एम क्या है, नियतांक है। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इस माइनस एम को यहीं पे रहने देते हैं, इस आई को हम इधर भेजते हैं,
तो m स्क्वल टू क्या हो जाएगा, 5 बाई आई, आई को भी हमने यहाँ पे भेज दिया है, माइनस को भी हमने इधर ही भेज दिया, ठीक है। ये जो आई है इसको हमने इधर भेजा है तो 5 में भाग ही ना कराएगा, और इस माइनस भी इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो आपको मिला यही है भैया अन्योन प्रेरण का फॉर्मूला, जहाँ एम क्या है भैया अन्योन प्रेरण गुणांक है, और फाई क्या है भैया चुंबकीय फ्लक्स की संज्ञा है, और भैया ये आई क्या है विद्युत धारा है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से आपको अन्योन प्रेरण समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि अच्छे से समझ में आया है, तो भैया सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में किसी भी क्लास का, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक एक करके चैप्टर वाइज सिक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है, तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है 8876072 6058, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों जितनी बातें आपको बताई गई हैं वो अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।